बस उनको ही बोला है कि हम लोग ऋषिकेश की साइड जा रहे हैं, हालांकि उनको थोड़ा डाउट होने लगा है। तो भाई लोग देख लो कोहरा कितना ज्यादा हो रहा है। हम ऋषिकेश जाने वाले थे और आ गए आगरा। ये बताया कि भाई सदर मार्केट है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद अपने फ्रेंड मक के साथ फिर से निकल चुका हूँ रोड ट्रिप के लिए, और अभी मैं पहुँचा हूँ बरेली में, और आज हम जा रहे हैं यहाँ से आगरा। तो फिलहाल तो अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ, ये फैमिली ट्रिप है, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं उन्हें नहीं पता है। किसी को मैंने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस उनको ही बोला है कि हम लोग ऋषिकेश की साइड जा रहे हैं, हालांकि उनको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा है। तो गाइस पराठे वराठे हम लोग घर से पैक करके लाए थे, सुबह मम्मी ने बना दिए थे। कहाँ जा रहे घूमने के लिए? हम ऋषिकेश। अभी ऋषिकेश जाने वाले हैं, आप लोगों को जो बताया था मैंने, और ये पापा लोग अभी खाना वाना खा लेते हैं, फटाफट खाना वाना खा लेते हैं उसके निकलते हैं। तो तूने देखो ये मनाली वाली पहनी हुई है, जो मनाली से ही लेकर आए थे। अगर मनाली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो मनाली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मनाली एक महीना एक्सप्लोर किया था मैंने। भाई लोग देख लो कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है। ये आया हूँ मैं बरेली वाले रूट से, मैंने फेसबुक में डाला था अपने हल्द्वानी वाले ग्रुप में, बट लोगों ने बोला था इस रूट में कोहरा कम मिलेगा, बट इस रूट में तो कोहरा बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही कम विजिबिलिटी है। सात घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में, अभी हम पहुँच गए हैं होटल ताज प्लाजा में। तो फाइनली आगरा तो पहुंच गए, अभी देखते हैं ताजमहल का क्या सीन है। अभी स्टिल हमारे पास टाइम है तो थोड़ा लोकल एक्सप्लोर कर लेंगे, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताजमहल के लिए। और फिलहाल अभी मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। अगर यहाँ इस होटल में रुकने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे पार्किंग थी, तो मैंने सोचा कि यहीं रुक लेता हूँ, क्योंकि पार्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सरप्राइज कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कहाँ आने वाले थे हम? ऋषिकेश आने वाले थे और आ गए आगरा। तो भाई लोग ये है रूम, चलो आपको रूम भी दिखा देता हूँ यहाँ के होटल का। हमने फैमिली वाला लिया हुआ है, एक्चुअली हम सारे लोग साथ में रह लेंगे, आज ही अच्छी बात है, कल को तो निकलना है। हो गया रूम भैया? रूम क्लीनिंग हो रही है, दो मिनट रुक जाते हैं। फिर देखो लॉबी वॉबी देखो कितनी बढ़िया बना रही है यहाँ पे। तो भाई लोग ये फैमिली रूम हमने ले लिया है, क्योंकि आज ही रात की बात है, कल को हमें निकलना है मथुरा के लिए। चलो यार चलो चलो थोड़ा बाहर भी निकलते हैं, थोड़ा सैर वैर कर लेते हैं, क्या सीन है, फिर आपको ताजमहल भी दिखाता हूँ। यहाँ के ना छत से बड़ा साफ दिख रहा था ताजमहल। सो गाइस तकरीबन शाम के 5 बज गए और मैं आ गया अपने होटल की छत में फ्रेश होके, और यहाँ देखो फोटोशूट ऑलरेडी चालू हो गया है, और यहाँ से जो अमेजिंग ताजमहल दिख रहा है ना, मज़ा आ गया। मैं फर्स्ट टाइम आगरा आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है। हालांकि रास्ता काफ़ी ट्रैफिक वाला था, काफ़ी थकान भरी ड्राइव थी, बट इट्स ओके, यहाँ आके टोटली वर्थ लग रहा है, बहुत मज़ा आ गया। मतलब मैं देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी कैसा लगा फिर सरप्राइज? बहुत बढ़िया सरप्राइज, थैंक यू सो मच। ये देखो भाई लोग ताजमहल के साथ कॉफी और मैगी पी जा रही है, ये होते मजे भैया। तो भाई लोग अभी प्लान हो गया है चेंज, क्योंकि हम सोच रहे थे शाम को ही बाजार में टहल लेंगे, बट अभी हमारे होटल में भैया ने बताया कि भाई सदर मार्केट है, जहाँ पे रात को नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और भैया ने भी बताया कि वहाँ पे खाने पीने के भी काफ़ी आइटम मिल जाता है, स्ट्रीट फूड वगैरह। भैया क्या नाम हुआ आपका? धन्यवाद आपका बहुत बहुत हेल्प करने के लिए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे सदर मार्केट, वहाँ जाके रात को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से वापसी में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ से हमको ऑटो मिल गया था इजीली, और भैया ने बताया कि रात को ऑटो चलते रहते हैं वहाँ 10 बजे तक। तो भाई लोग ऑटो में हमारे लगे अप्रॉक्स 150 रुपये, और हम लोग पहुँच गए सदर मार्केट। तो बेसिकली यहाँ सदर मार्केट है, अच्छा सा वॉक करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अभी हम जाते हैं थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करते हैं, खाने पीने का आइटम एक्सप्लोर करते हैं, लोकल फूड स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। चाट में ना थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है, और काफ़ी सही बनाया हुआ है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल डीप फ्राई करके बनाया हुआ है। तो भाई लोग कहीं भी घूमने आओ और वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई ना करो तो वहाँ आना ही बेकार है। तो अभी यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है शाम के टाइम में, आज वीकेंड भी है तो ज़्यादा रश है। तो अभी हमने चाट वगैरह ट्राई की थी, चाट बड़ी ऑसम है, इसके बाद अब कुछ और पनीर टिक्का ट्राई करते हैं।
तो भाई लोग, अगर आप ताजमहल देखने आगरा आ रहे हो और आगरा में नेक्स्ट डे क्या करना चाहते हो या बियॉन्ड द ताज क्या देखना और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसके लिए तो बेस्ट प्लेस ये था जो मेरे पीछे आपने देखा अभी, सदर मार्केट। यहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो और साथ साथ में खाने की भी बहुत वैरायटी मिल जाएगी, स्ट्रीट फूड मिलेगा बेसिकली यहाँ का जो आगरा का लोकल वाला होता है। भाई लोग, इधर साइड दूसरी साइड आपको पूरे ब्रांड शोरूम वगैरह दिख जाएंगे। भाई लोग, हमने चाट वाट खा ली है और मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस होटल। काफ़ी रात हो गई है और वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मार्केट हैपनिंग रहेगी तो वहाँ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे अमन विलास होटल के आसपास, और फिर सुबह निकलेंगे ताजमहल के लिए। मार्केट है भाई, उसमें आप थक जाओगे। सिंधी मार्केट कहते हैं। हाँ, सिंधी मार्केट तो कहाँ है। तो भाई लोग, सीन ऐसा है, अभी बज गया रात का 8 और ठंड बहुत तेज़ हो गई, इसलिए मैंने निकाल ली अपनी जैकेट और हम लोग आ गए हैं सदर मार्केट है सीधे होटल के पास। और यहाँ पे हमने थोड़ा लोकल में एक्सप्लोर किया, जो यहाँ से ताजमहल तक की रोड जाती है वहाँ तक गए। ठंड बहुत हो रही थी और अंधेरा भी हो गया, तो अभी फिलहाल हम आ गए डिनर करने के लिए इस होटल में। डिनर में हमने आज कुछ खास मंगाया है, एक तो चिकन मंगाया है, चिकन एक तो कढ़ाई चिकन, क्या था, चिकन मसाला, और साथ में तंदूरी चिकन, फ्राइड चिकन मंगाया है।